एमडी एनेस्थीसिया परीक्षा में डॉक्टर ऋचा पाटिल ने उत्तीर्ण होकर सफलता हासिल की है। उन्होंने लता मंगेशकर कॉलेज से पढ़ाई की। इस उपलब्ध पर बीसीएन न्यूज एवं नागपुर मेट्रो समाचार की टीम ने उन्हें बधाई दी है। इस अवसर पर डॉक्टर प्रदीप पाटिल एवं पत्नी अर्चना पाटिल सहित डॉक्टर ऋचा पाटिल उपस्थित थी। डॉक्टर ऋचा पाटिल श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में कार्यरत है, जो हार्ट केयर ब्लॉकेजेस बिना ऑपरेशन से ईईसीपी द्वारा उपचार करने वाला एकमात्र अस्पताल है। श्री स्वामी समर्थ अस्पताल में 4 ईईसीपी TS3 मशीन है, जो USFDA प्रमाणित है, और इसी से संबंधित हमने खास बातचीत की है डॉक्टर प्रदीप पाटिल और डॉक्टर ऋचा पाटिल इनसे। आइए डालते एक नजर। आज हम आए हैं श्री स्वामी समर्थ अस्पताल में, जिनके संचालक है डॉक्टर पाटिल। आज हम उनसे जानेंगे कि इतनी जो ये अस्पताल है वो अलग तरीके से अपने जो भी मरीज आते हैं उनके लिए कार्य करता है, उनसे जानेंगे किस तरह से उनका वर्क होता है। नमस्कार, BCN के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहता हूँ कि स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये हृदय रोगों का 70-100% हार्ट ब्लॉकेजेस का बिना ऑपरेशन चिकित्सा करने का हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के नींव के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इंसान जो है वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। हर इंसान के जहन में एक लक्ष्य रहता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के सफ़र में कुछ मुसीबतें आती है, कुछ छोटी रहती, कुछ बड़ी रहती। अगर उन मुसीबतों से इंसान अगर डगमगा जाए तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकता। मेरे इस हॉस्पिटल में जो ऐसे वक्त में उसको एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है, तो इस हॉस्पिटल के जो सफ़र में मेरी जो प्रेरणा बनी थी वो मेरी वाइफ थी, मिसेस अर्चना पाटिल। तो उस प्रेरणा को लेके हम लोगों ने हमारी ज़िंदगी की शुरुआत की है और हम लोग हॉस्पिटल में कार्य में आगे बढ़ते गए। आज जो भी आप देख रहे हैं वो उसकी प्रेरणा की वजह से ही और उसके सहयोग की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए। अब क्या होता है मैडम, प्रेरणा तो आ गई और हॉस्पिटल भी स्थापन हो गया। अब हमारे को एक आधार स्तंभ की ज़रूरत थी, तो आधार स्तंभ के रूप में मेरी बच्ची ऋचा पाटिल, आज उन्होंने MBBS कंप्लीट करके MD एनेस्थीसिया कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने ICS यानी इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिकल ईईसीपी सोसाइटी का आयोजित इंटरनेशनल ईईसीपी ट्रेनिंग कंप्लीट किया हुआ है। इसके साथ ही उसने मेडवर्सिटी का कार्डियक रिहैबिलिटेशन की फेलोशिप ली हुई है। इतना सब एजुकेशन लेने के बाद में अभी वो अपने फर्दर स्टडीज़ यानी DM क्रिटिकल मेडिसिन और आगे का जो एजुकेशन है उसके लिए भी परस्यू करेंगी, बट एट द सेम टाइम वो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो एक, मैं और मेरी वाइफ अर्चना पाटिल ने जो एक नींव डाली थी हॉस्पिटल की, आज उसका एक आधार स्तंभ के रूप में वो हमारे सामने आई है। तो मेरे को आज बहुत खुशी है इस मामले में। थैंक यू। मैंने जैसे आपको सवाल किया कि आप अलग तरीके से जो है मरीजों की सेवा करते हैं, जैसे बिना ऑपरेशन ये हृदय की जो हार्ट सर्जरी होती है वो किस तरह होती है, बिल्कुल मतलब शॉर्ट में बताइए। मैम, इसमें क्या होता है कि हम लोग एक मशीन द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं जिसको ईईसीपी बोलते हैं। इसमें काफ, थाइज और बटक को न्यूमेटिक कव्स बांधे जाते हैं जो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं। सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के द्वारा जो विनस रिटर्न का जो ब्लड है वो अपने कोरोनरी आर्टरी में अशर किया जाता है। ब्लॉक्ड आर्टरीज के अराउंड ब्रिज बना के रास्ता ओपन किया जाता है। इसके अलावा जो 100% ब्लॉक रहती वेसल्स उसके अराउंड ब्रिज बन जाता है। इस प्रकार से हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई पहुंचाने का जो उद्देश्य रहता है, आइदर एंजियोप्लास्टी करेगी या बाईपास करेगी, तो वही उद्देश्य हमारे मशीन के द्वारा नैसर्गिक रूप से अपने आदमी या औरत के बॉडी को ही माध्यम बना के किया जाता है। अब हमारे साथ है डॉक्टर पाटिल, इनकी बेटी जो है ऋचा पाटिल, इसने हाल ही में जो है MD एनेस्थीसिया जो उसमें जो है उत्तीर्ण हासिल किया है। सफलता के लिए आपको BCN की पूरी टीम की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बताना चाहोगे, एनेस्थीसिया जो आपने अभी पढ़ाई की है, उत्तीर्ण हुए हैं, तो आगे आपको आधार स्तंभ बनना है श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल का, तो क्या बताओगे आप? जैसे डॉक्टर पाटिल सर ने अभी बताया, आगे की क्या आपकी मतलब ये रहेगी, क्या भविष्य का प्लानिंग है आपका? अभी तो आगे जाके मैं DM के लिए परस्यू करूँगी, फर्दर स्टडीज़ के लिए परस्यू करूँगी, कुछ डिप्लोमास भी सोचे हैं, और मेन मेरा एम है कि हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाना। और
आगे हॉस्पिटल को और आगे लेके जाना। बिल्कुल, जैसे आपने एनेस्थेसिस्ट में मतलब आप हो अभी है, तो मुझे ये बताइए कि इसके भी बहुत प्रकार होते हैं और ये जो है ये मेन रहता है सर्जरी में, इसके सिवा सर्जरी नहीं होती है, तो किस तरह का आपका रोल रहने वाला है क्या बताओगे? अभी ये हॉस्पिटल में ऑपरेशंस भी चालू करेंगे, सर्जिकल फील्ड भी चालू करेंगे, तो उसमें ऑपरेशन के पहले बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सूंघनी देना, क्योंकि अगर सूंघनी नहीं दी तो पेशेंट को दर्द होगा और पेशेंट को अनकंफर्टेबल होगा, तो मेन हाथ रहेगा कि उसको पेन ना हो, तो वही सारी फैसिलिटीज़ हम लोग यहाँ अभी चालू करेंगे। बिल्कुल, हम देखते हैं कि एनेस्थीसिया के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे अलग अलग सर्जरी में अलग अलग तरह के एनेस्थीसिया लगते हैं, तो इस बारे में क्या बताओगे आप? अभी जैसे अगर पैर की सर्जरी है तो उसमें हम लोग पूरी बेहोशी की सूंघने नहीं देते, हम सिर्फ पैर के कमर के नीचे का भाग सूंघना करते हैं, लेकिन अगर कमर के ऊपर की सर्जरी रही तो फिर हमको पूरा बेहोश करना पड़ता है पेशेंट को, जिसमें पेशेंट जगा हुआ नहीं रहता है और पूरी बेहोशी की सूंघनी उसको रहती है। और ये जो श्रेय है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? आज आप इस पद पर हो और आगे जाके आपको और भी जिम्मेदारियां निभानी हैं। अभी मेरा पूरी सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है और साथ में कौस्तुभ जो मेरा फियांसे है उसको भी सारा श्रेय जाता है। बिल्कुल, आप प्रेरणा हो श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के, क्या बताना चाहोगे? अब आधार स्तंभ भी है, प्रेरणा है और आधार स्तंभ जो है, अभी बहुत जिम्मेदारियां आगे खुद पर लेने वाले हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां निभाने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसे बताओगे? मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने आज MD कम्प्लीट किया है और यानी उसे आगे भी DM वगैरह में भी ऐसी सफलता मिले, यही मेरी इच्छा है और ये हॉस्पिटल को वो आगे लेके जा सके। तो हमने देखा कि श्री स्वामी समर्थ अस्पताल जो है बीते कई सालों से अपने मरीजों को सेवा दे रहा है और अब उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है, डॉक्टर ऋचा पाटिल, ये भी अपनी जो मरीज है उन्हें और अच्छी सेवा देने के लिए अब तत्पर रहेंगी और श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये जो है आगे अपने मरीजों को और भी बेहतर सुविधा और सेवा देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।